आज इंटरनेट पर मैंने एक बहुत ही प्यारी चीज देखी, इनफैक्ट न्यूज़पेपर में भी ये चीज आई थी, देख लीजिए जरा। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस फोटो के साथ, उसे समझिएगा ठीक है, क्योंकि हम औरतों को, हम मॉम्स को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक समय के बाद हमें ऐसा लगता है कि बस और कुछ नहीं, पर है बहुत कुछ है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते भी सारी चीज़ें हो सकती है। आज ना मैं रोज़ की तरह बहुत ज़्यादा फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ, ना ही एनर्जेटिक। हाथ आई बोला झाला ठीक है आले, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी जो है हाउस हेल्पर है, फोकस कर लिया। ओके, तो शाम का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। पूरा दिन एक्चुअली कुछ काम ख़त्म करने में गया है। आज मंडे है, अनिता की हॉलीडे स्टार्ट हो गई है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन हो गई है। और थोड़ा सा ना, मतलब मुझे एनर्जी लो लग रही है, मुझे रीज़न नहीं पता। मे भी इतना ज़्यादा कोरोना सुनकर हो चुका है, क्योंकि ना कुछ चीज़ें ना आपको वैसा बना देती है। अगर आप अच्छा अच्छा सोचो ना, तो आपके साथ अच्छा अच्छा होता है, बट अगर होल डे आप कोरोना सोचो ना, तो आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो मेरे साथ अभी हो रहा है। एकदम एनर्जी ऐसे लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी है। और मैंने आज सच ऐसे सब बहुत ऐसा जो हार्डवर्क वाला काम बोलते हैं ना, वो नहीं किया है, जैसे मैं नॉर्मल डेज में करती हूँ। थोड़ा बहुत किया है, पर इतना नहीं किया है। और बल्कि आज मैं एक घंटा दोपहर में सोई भी हूँ, इस समय शाम के 5:30 बज गए। बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एनर्जी नहीं है मेरे पास। हो सकता है आप जब ये वीडियो देखें तब तक बहुत सारी एनर्जी आ जाए, और अगर तब तक भी नहीं आई तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा एनर्जी देने वाला कुछ तो ड्रिंक मुझे दे दो, जिससे मैं पढ़कर एकदम मतलब एनर्जी फील करूँ, है ना। कभी कभी आप भी मुझे कुछ ऐसा एनर्जी दिया करो, हमेशा मैं ही अपनी स्माइल से आपको एनर्जी दूँ, क्योंकि आपने ही ये मुझे बोला है कि दी जब आप हंसते हो ना एकदम अच्छे से, तो हमें बहुत एनर्जी फील होती है। तो अब आपकी बारी, लेट्स सी कितनी एनर्जी आप देते हैं। कमेंट बॉक्स आपका है, आपका अपना है, खोलो उसे और मेरे लिए एनर्जी भर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट कि आप लोग मेरे लिए ग्लूकोज का काम करो। मैं बहुत वीक फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया। गर्मियों का मौसम चालू हो गया है, और इस मौसम में अगर आपके चेहरे पर थोड़ा बहुत टैन जमा हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डार्क होने लग गई है, तो ये एक सिंपल सा रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ। इसे अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले ये मम्मा अर्थ का उपटन फेस वॉश, जो कि टैन रिमूवल फेस वॉश है। इसमें है टर्मरिक एंड सैफरिन, जो कि टैन को रिमूव करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इतना ही नहीं, ये पैराबिन फ्री है, SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑल स्किन टाइप है। इसे आप एवरीडे यूज़ कर सकते हैं, और ये आपकी टैन को धीरे धीरे एवरीडे रिमूव करता है, जिससे आपके चेहरे पर टैन जमा नहीं होता है। उसी के बाद मैं एल्प्स गुडनेस का ये जो रोज़ वाटर टोनर है, इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, स्किन के अंदर में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं इन्हें भी निकाल देता है जेंटली, और रिजुनेट करता है स्किन को, जिसकी वजह से स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। और मैंने अपने लिप्स के लिए बायोटिक का बायो बेरी प्लमिंग लिप बाम इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से लिप्स काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज और काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक के लिए। यहाँ पर मैं अपने डार्क सर्कल्स के लिए मम्मा अर्थ का बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसमें है कुकुम्बर एंड पेप्टाइड्स, ये डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में बहुत यूज़फुल है। ये सिलिकॉन एंड पैराबिन फ्री है, ऑल स्किन टाइप है। इसे आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी मदद से आपकी जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। बट इट टेक्स टाइम, थोड़े दिनों के बाद आपको इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिवली दिखना चालू हो जाता है। उसी के बाद यहाँ पर न्यूट्रीडर्मा का विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन मैं लगाऊंगी, या ऑल स्किन टाइप है। और मैं बता दूँ 125 ml की ये जो प्यूरी ट्यूब थी, ये मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ। इसमें बहुत थोड़ा सा अभी मॉइस्चराइजिंग लोशन बाकी है, और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग तो है ही है, एट द सेम टाइम स्किन को एक अलग लेवल पर ही लेकर जाता है। स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और कुछ ही दिनों में इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है ना, आप क्लियरली अपने चेहरे पर देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई लोशन चाहिए जो आपकी स्किन के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़फुल है, तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। उसी के बाद अगर आप घर पर ही है या बाहर भी जा रहे हैं, तो आपको ज़रूर लगाना है सनस्क्रीन। यहाँ पर मैं ब्लॉसम फ्लोचर का अरोमा मैजिक कैरेट सनस्क्रीन लोशन लगा रही हूँ।
ये ऑल नेचुरल मिनरल लाइन से है। ये SPF 15 के साथ है, इसलिए मैंने बोला कि अगर घर के लिए हो तो अच्छा है, या अगर आप बाहर थोड़ी देर के लिए जा रहे हो तो इसे इस्तेमाल करें। बट बिलीव मी गाइज, ये सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइजिंग लोशन है। अगर आप मॉइस्चराइजिंग लोशन स्किप करके सिर्फ इसे लगाए तो भी चल सकता है। तो इस तरह से मैं आजकल गर्मियों के दिनों में अपनी स्किन का खास ख्याल रख रही हूँ, और जिसकी वजह से मेरी स्किन पर थोड़ा भी टैन जो है वो जमा नहीं हो रहा है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाएंगे। बहुत अच्छी डिस्काउंट हमेशा की तरह purple.com पर चल रही है। मेक श्योर करें कि उस डिस्काउंट का फ़ायदा लेते हुए इनकी शॉपिंग करें। इसमें से हाईली रिकमेंड प्रोडक्ट मैं आपको करूँगी फेस वॉश ममाअर्थ का, ममाअर्थ की आई क्रीम एंड जो ये न्यूट्रीडर्मा का जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, जिससे आपको भी इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिले। इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक ज़रूर करिएगा। तो आज मैंने जो लिपस्टिक का शेड लगाया है वो बहुत ज़्यादा न्यूड है, जो लगाया है कि नहीं पता भी नहीं चल रहा है, हल्का सा पता चल रहा है। केला खा रही हूँ, मैंने सुना कि केला खाने से इंस्टेंट एनर्जी जैसा फील होता है। आधा खा चुकी हूँ, अभी तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। ऐसे इंस्टेंट की कोई चीज़ काम नहीं करती, आई नो, बट जब आपको ठीक नहीं लगता है ना तो आप सबसे एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं कि भाई खाते ही हो जाएगा कुछ ना कुछ। अम्मा को दे दिया है उपमा। तो कोरोना वायरस के चलते मैंने अपने ऑफिस में भी 5 बजे छुट्टी दे दी है। रीज़न मैं हमेशा, मतलब अभी एकदम जैसे स्कूल ऑफिस को तो छुट्टी नहीं है, पर स्कूल कॉलेजेस को जिस तरह से छुट्टी दी गई है वैसे अपने ऑफिस को छुट्टी नहीं दे सकती। पर मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि जब भीड़ कम होती है तब मैं अपने स्टाफ को घर भेज सकती हूँ। तो 5 बजे के करीब इतना ज़्यादा लोकल ट्रेन्स में भीड़ नहीं होती है, आफ्टर 6 जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी रहती है। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि जब तक सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक मेरा स्टाफ जो है 5 बजे तक काम ख़त्म करके, या नहीं भी हुआ तो भी घर जा सकता है। तो ये मैंने डिसीजन लिया है, और उन्हें तो ऑब्वियसली पता ही है क्या करना है, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से क्या करती हूँ पता है। मैं अपने घर में जो भी मेड्स आती है उनके हाथों को अच्छे से अपने आँखों के सामने वॉश करवाती हूँ, बिल्कुल लापरवाही नहीं। एंड कुछ ऐसे मैंने स्प्रे ले रखे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है ऑनलाइन, जिन्हें मैं मार देती हूँ। जैसे लिफ्ट में बटन दबाने से पहले मैं मार देती हूँ, इनफैक्ट मैं खुद जाकर हमारी लिफ्ट की सारी बटन्स को स्प्रे कर देती हूँ। कैसे मैं आपको दिखाऊँगी। और दरवाजे के भी जो हम लोग लॉक खोलते हैं उसे भी मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं हर तरह से, मतलब, कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ सेफ रहे और सारी चीज़ें स्प्रेड ना हो। तो अगर आप भी ऐसा करें ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो अपनी लिफ्ट की बटन्स वगैरह को खुद ही यार सैनिटाइज़ करके आ जाओ, कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है और बहुत आसान है, ठीक है, खुद ही करके आ जाओ। क्योंकि अब हम खुद नहीं करेंगे ना तो वो हमें ही आने वाला है, इसलिए सबका सोचो मत, बट खुद करके आ जाओ। एटलीस्ट सब सेफ़ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचो, एंड प्लीज़ ओवर स्टॉक मत करो, क्योंकि मार्केट में हर एक चीज़ ख़त्म हो रही है। क्योंकि हर एक इंसान इतना अगर चीज़ खरीद लेगा ना तो सबके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टॉकअप घर पर बहुत मत करिए। अगर आपको लगता है कि हालात बुरे हो सकते हैं तो थोड़ा सा स्टॉक करिए, पर ऐसा नहीं कि पूरे साल भर का कर लीजिए, ऐसा मत करिए प्लीज़।
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे सैनिटाइजर्स की बॉटल हो या कोई भी चीज़ हो, ओवर स्टॉक मत करिए, सबको मिलना चाहिए ये सोचते हुए देखिए। नहीं तो क्या होगा कि जिसे नहीं मिलेगा फिर वो जब फैलाएगा तो आपने जो स्टॉक करके रखा है ना सैनिटाइजर्स की बॉटल्स इतनी सारी, क्या काम की आएंगी बताओ। इसीलिए सबका सोचते हुए अगर दुकान में दो ही बाकी है तो एक खरीदिए, एक छोड़ दीजिए, हो सकता है किसी और के काम आ जाए, तो इस समय ये स्टेप लीजिए प्लीज़। तो फाइनली मैंने एक वीडियो शूट किया है, इस समय 8:30 बज रहे हैं और इस वीडियो को शूट करने में काफ़ी समय लग गया है। अभी मैं 105 सेकंड और वेट करने वाली हूँ क्योंकि मैं जिस वीडियो के लिए काम कर रही हूँ उसमें यहाँ पर कैलकुलेशन आ रहा है। अभी 98 सेकंड्स हो गए हैं और सेटअप पूरा है, कैमरा उसको शूट कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर है, तो चीज़ें अभी रिकॉर्ड हो रही है और मैं बस वेट कर रही हूँ। 86 सेकंड्स हो गए हैं तो बस ये हो जाए तो मेरा लगभग और 2 मिनट और वीडियो शूट का प्रोसेस है वो हो जाएगा। ये वीडियो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो था और मैं चाहती थी कि आप सभी को मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँ। उस चीज़ के लिए मुझे स्टडी करनी पड़ी, एक्यूरेट चीज़ें समझनी पड़ी, मैंने खुद इस चीज़ को अपने ऊपर किया एंड देन अब ये शूट हो रहा है। सो और 54 सेकंड्स बाकी हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को आप सबके लिए लाने के लिए, आपके सामने लाने के लिए। राज आ गए अभी, आई जस्ट 10 मिनट हुए वो आए हैं ऑफिस से, मतलब भले टीम मेरी 5 बजे ऑफिस चली घर चली गई थी बट राज जो है 8:30 बजे तक अकेले ऑफिस में काम कर रहे थे। तो 30 सेकंड्स बाकी है, चलिए मैं कैमरा की फुटेज ऑन कर लूँ। तो खाना पीना सब हो गया है, इनफैक्ट मैं लाइव भी गई थी तो वहाँ पर भी बहुत सारी बातें हुई और काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे इसके बारे में। तो यस, मैं इसे यूज़ करती हूँ और ये 99% बैक्टीरिया किल करता है। सो व्हाट आई डू, जस्ट मैं अपने जहाँ पर हम लोग खोलते हैं ना वहाँ पर स्प्रे कर देती हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये फ्लू के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें 99.9% किल करता है। सो ये देखिए मैंने इधर भी मार दिया और मैं ऑलरेडी 2 टाइम्स अपनी जो बिल्डिंग की लिफ्ट्स है उनके अंदर की जो बटन्स है उन्हें भी मार चुकी हूँ क्योंकि यार सेफ्टी हमारे हाथों में है ना, तो इतना कर सकते हैं। एज वेल एज ये जो मेरी बेल है उस पर भी मैं थोड़ा मार देती हूँ, तो बस ऐसे थोड़ा स्प्रे कर दो इनफ है। तो लिफ्ट अगर आती है तो हम लोग उसकी बटन्स पर भी मार देंगे एंड प्लीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि दिन में 3-4 बार आप भी ये करिए, एटलीस्ट अपनी लिफ्ट को अपनी बिल्डिंग को सेफ रखिए जितना आपके हाथों में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारी दुनिया की बिल्डिंग्स को जाकर रखिए बट अगर हम सब ने एक एक बिल्डिंग अपनी ही बिल्डिंग ले ली ना तो हो सकता है कि ये कम से कम जो है स्प्रेड होगा। तो मैं ये सुबह से ये 4th या 5th बार है जो स्प्रे कर चुकी हूँ। I will show you guys. Yes. So at least कोई कीटाणु है तो मर जाएगी। और ये मैंने मुझे अमेजोन पर मिला, बहुत कॉस्टली भी है, बहुत सस्ता नहीं है और इसकी डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी प्राइस वैसी बढ़ा दी गई है। तो चलिए हमारी इधर बड़ा आवाज़ आती है एम्बुलेंस वगैरह की क्योंकि रोड बहुत चलता है। 11:30 से ऊपर हो गए हैं, मैं आपको बता दूँ मैं लाइव गई थी तो काफ़ी देर बात की और अनिका देखिए सब पूछ रहे थे लाइव में कि अनिका से बात करवाइए। अनिका एक्चुअली सो गई है तो चलिए गाइस मैं कल सुबह मिलती हूँ आपको, ठीक है। अनिका को भी लेकर जाती हूँ और राज बस बेड अपना हमारा ठीक कर रहे हैं। सुबह की तैयारियाँ तो आप देख ही रहे हैं, आज जल्दी खाना बन रहा है 9:30 बजे ही। रीजन पानी हमारा जाने वाला है, मतलब एक मुसीबत कम नहीं थी कोरोना वायरस तो अभी पानी जाने की और एक मुसीबत आ गई है
और रात में जो न्यूज देखी कोरोना वायरस की गंदी वाली कि भाई नोटों को छूने से भी हो जा रहा है और इसे छूने से उसे छूने से, तो अब तो काफी ज्यादा खौफ दिमाग में बैठते जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली नोट्स ऐसी चीज होती है कि हम लोग एक आठ बार तो दिन में हाथ लगा ही लेंगे और नोट तो सबके पास सर्कुलेट होती है तो डेफिनेटली हाथ तो लगाएंगे, तो अब वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहती है, तो अच्छा खासा मतलब स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ रहा है। मुझे आज अनिका के स्कूल भी जाना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो चल के जाऊँगी और चल के आने वाली हूँ मास्क लगा कर, बिल्कुल रिक्शा वगैरह नहीं लेने वाली हूँ। रीज़न सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सी चीज़ें ना इस समय आ रही है सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस को लेकर। मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसे लगता है काफ़ी बेनिफिशियल है, तो मैं बहुत जल्दी उनके ऊपर काम करके आपके लिए वो लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी ब्रांड्स काफ़ी अच्छी चीज़ें लेकर आ रही हैं, तो डेफिनेटली मैं आपके पास आऊँगी ये चीज़ लेकर। ठीक है, अभी मैं बात कर रही हूँ, कल ही मुझे 3-4 कॉन्टैक्ट्स आए हैं इसके लिए उसके लिए ऐसा वैसा वैसा, तो डेफिनेटली एक बार हम लोग की डील फाइनल हो जाए तो बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई रियली होप कि आपने जो ब्लॉग देखा आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। स्टे सेफ गाइस, प्लीज़ मेक श्योर कि हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोए एंड मेक श्योर कि अपने अगल बगल उतना ही ज़्यादा सैनिटाइज रखें जितना मतलब ज़रूरत है। ओके, चलिए फिर, बाय बाय।